मराठी पत्रकार संघ में श्रीमती शबनम फिरोज शेख नामक महिला द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण यह था कि श्रीमती शबनम शेख के ससुर श्री अब्दुल करीम शेख एवं उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती नसीम करीम शेख के द्वारा उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। इन सब की गवाही मेरे पति फिरोज शेख एवं मेरी सास द्वारा ली जा सकती है, जिनके समक्ष इस हरकत को अंजाम दिया गया। वारदात इस तरह से मेरे साथ हुई कि जब मैं और मेरी सास लोखन की सीढ़ी के ऊपर खड़े थे, तब मुझे पहले माले की सीढ़ी से नीचे धक्का मारा गया। धक्का लगने एवं नीचे गिरने के कारण मेरे दोनों पैरों पर 5 से 6 फ्रैक्चर निकले। इन सबकी फरियाद लेकर मैं 30 दिसंबर 2017 को दोपहर 1 बजे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पर बैठे हुए ड्यूटी ऑफिसर को इस पूरी घटना की जानकारी दी, परंतु आज तक मेरी द्वारा लिखाई गई FIR दर्ज नहीं हुई। शबनम फिरोज शेख का कहना था कि जब मैं मालाड पुलिस स्टेशन गई, तब वहां बैठी ड्यूटी ऑफिसर अनुपमा केंद्रे जी थी। मैंने जब उनसे अपनी आप बीती बताई, तब उन्होंने 10 मिनट रुकने के कहा और मुझे बाहर जाकर बैठा दिया। इसके बाद अनुपमा केंद्रे ने मुझे डिटेक्शन ऑफिसर श्री सुधीर चौहान के पास भेजा और बाद में इंक्वायरी की गई और फिर 4 बजे मैं अनुपमा केंद्रे से मिली और उनसे FIR दर्ज करने की विनती की, लेकिन अब तक FIR दर्ज की ही नहीं गई। इस दौरान श्रीमती शायना अब्दुल करीम शेख, जो कि मेरी पहली सास हैं, उन्हें भी मेरे ससुर द्वारा बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है। उनका कहना है कि पैसों के दम पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमें न्याय न मिल पाए। हमारे संवाददाता ने वारदात की जानकारी हासिल करनी चाहिए तो शायना अब्दुल करीम शेख जी का कहना था कि किसी का फोन आया कि बोले कि तुम्हारे घर से सामान चोरी हुआ है, मतलब कोई सामान निकाल रहा है घर से। तो हम लोग ताबड़तोड़ तो वहाँ से लग्जरी बस बुक करके हम लोग वहाँ से आए 30 तारीख को। 30 तारीख को वहाँ पे से घर पे आए तो कुछ 11 बजे कुछ घर पे आए हम लोग। 11 बजे घर पे आए तो घर में आके देखे तो दरवाज़ा खोले, चाबी था मेरे पास, चाबी दरवाज़ा खोले तो देखे तो पूरा घर खाली पड़ा है मेरा। घर में कोई एक चीज़ नहीं था। मैं और ये मेरी बहू साथ में ही आए थे, साथ में आके अंदर घुसे तो बोले बहू ने चिलम चिली की, मतलब हम लोग ने चिलम चिली की। उतने में वो मेरे आदमी ऊपर से दूसरे माले में रहते थे, वहाँ से नीचे उतरे वो और ये दूसरी वाइफ उनकी, तो वो नीचे से ऊपर आए। तो हम लोग का मेरा और मेरा बेटा भी साथ में था, तो हम लोग दोनों चिलम चिली कर रहे थे। ये बोले कि हम मेरा सब सामान चोरी हुआ तो मैं कंप्लेंट करने चाहिएगी ऐसा करके। तो बोले ये मेरा आदमी बोले कि मरती भी क्यों नहीं है, ये क्यों चिलम चिली कर रही है, कौन चोरी किया तेरे को मालूम है ना, ऐसा करके चिलम चिली किए। तो फिर बोले कि बाहर वो सेकंड वाइफ बाहर खड़ी थी, दरवाजे से बाहर एक वरांडा जैसा है वहाँ पर खड़ी थी, वहाँ खड़ी थी। तो उसने बोली कि तो बोले जब तक जब चौकी में भागती है बोले मरती क्यों नहीं है, ऐसा करके धक्का मार दी। मैं आँख से देखी तो मैं हम लोग दोनों बातें कर रहे थे, मतलब चिल्लम चिल्ली हो रहा था मेरा और वो मेरे आदमी का। तुमने ये सब चोरी भी नहीं कराया, हम लोग ने आने तक ये नहीं किया, बोलते पैसा दे पैसा दे, पैसे की बोले पैसा नहीं देगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पैसा भरना है, मेरे को पैसा चाहिए। क्योंकि वो दूसरी औरत ने उनके ऊपर DV का केस डाला था तो उसको पैसा भरने का था। इसी प्रकार शबनम फिरोज शेख का कहना था कि वही रहा था इसके पहले, जब मेरी शादी होके अब 5 साल हो गए, पर उसके 2-3 साल पहले भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के पेपर्स बनाए गए थे जिसमें बताया गया था कि इनके हस्बैंड ये सब करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो वो एक MOU बनाया जिसमें सेकेंड वाइफ का एक अलग से बनाया था और हस्बैंड और इन लोगों का अलग से बनाया था कि एक दूसरे के लाइफ में कोई इंटरफियर नहीं करेगा, और हर एक चीज़ उसमें बताई गई थी कि प्रॉपर्टी है जो भी है तुम्हारा अब तुम्हारे पास रहेगा हर एक। उसके बाद फिर से उन्होंने अपनी हरकतें चेंज नहीं की। अब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी एक MOU बनाया गया था, और उस MOU में भी जैसे जो बड़े लोग आते हैं मस्जिद से या फिर फैमिली वाले, वैसे 10 लोगों को लेके एक और MOU बनाया गया था। अब उन्होंने उस ऑर्डर के लिए 1 महीने वो जेल में रह चुके, उनको सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी से लेना देना था। अब हमें ये बोल रहे हैं कि पैसा देने, मेरी मतलब जो सास है उनको मारपीट करते हैं हमेशा पैसे के लिए, यहाँ तक कि उनके जो हमारे जो ननिहाल हैं इनके मम्मी के वहाँ से भी हमेशा पैसों का डिमांड करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बस मुझे कोर्ट में पैसा भरना है, मुझे उसको पैसा देना है, नहीं तो वो मुझे मारेगी वरना ऐसा हो जाएगा। अब जब हमने मतलब केस के लिए अपील किया तब वो जो सेकेंड वाइफ है जिन्होंने 1 महीने पहले ही लास्ट कुछ अगस्त या नवंबर मंथ में वो 1 महीने जेल में रह के आए हैं इसी चीज़ के लिए, और 27 दिसंबर को उनका फिर से केस का डेट भी था, उस डेट पे पैसे भरने थे। उन्होंने हमें भी बहुत बार धमकाया पैसे चाहिए पैसे चाहिए, रात भर दिन भर परेशान करते हैं।
हमेशा पी के आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, ऐसी हरकतें वो करते हैं। वही मौजूद फिरोज शेख का कहना था कि इसे बहुत गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं आपके पिताजी के ऊपर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये इल्जाम सही है उनके ऊपर जो ये कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, ये काफ़ी बार इनको हैरान भी किया हुआ है, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी अंधेरे में मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी टाइम इनको हैरान किया गया है, यहाँ तक कि हम लोग को पानी पीने का भी इतना तकलीफ देते हैं कि हम लोग को फर्स्ट फ्लोर है तो हम लोग को नीचे से पानी उठा उठा के भरना पड़ता था, इतना तकलीफ दिया है इन लोगों ने। मौके पर मौजूद उनके वकील का कहना था, सर ये सब केस किस तरह का केस है कि तीन तीन FIR हो रहे हैं एक ही केस में, किस तरह का केस है जरा डिटेल में बताएंगे? एक्चुअली सर इसमें खाली फैमिली डिस्प्यूट का कलर देते हुए जो 307 होना चाहिए इंटेंशन वो खाली ये छुपा रहे, इसको कुछ अलग ही कलर दे रहे, क्योंकि जो एक्चुअली जब आप स्टेटमेंट इनका पढ़ेंगे जो कंप्लेंट है कि इनको प्रॉपर्टी का वो होने की वजह से इनको बोला गया है कि जा तो साली मरती भी नहीं, और देयर आफ्टर ये इनको धक्का दे देते हैं 16 फीट की हाइट से, वो एकदम क्लियर इंटेंशन है कि उनको जान से मारने की वजह से ये पूरा जो हुआ है किया गया है, लेकिन जो ऑफिसर है वो 325-338 लगा रहे हैं वो नेग्लिजेंट के लिए। सर आने वाले दिनों में आपके तरफ से उन्हें जो पुलिस स्टेशन के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपके तरफ से कोई केस विस करने की तैयारी चल रही है? बस उनके लिए हमारी रिट पिटीशन की तैयारी चालू है, हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं, उनको डायरेक्शन देने वाले हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कानूनी कार्रवाई अपने एज पर लॉ FIR को रजिस्टर किया जाए। जो कंप्लेनेंट है साइना जी, उन लोगों ने इसके पहले भी विजेंद्र कम से कम 100 केस किया है इनके खिलाफ, 100 केसेस पेंडिंग है, 100 NC पेंडिंग है, मारा मारी के, चोरी के, 302 के केस में उनको एक्विटल मिला है, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है या इससे पहले भी 2002 में उन्होंने सेम एक लड़के को ऐसा पीछे से धक्का मारा, नीचे गिनी हुई से वो मर गया, इनका जीजा ही हो, और बाद में कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, लेकिन उनका मोडस जो ऑपरेंडी है वो सेम यही है कि धक्का मारने से वो बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये वापस यही चीज किया है। 302 में इसके पहले उनके ऊपर चोरी का केस, 380 का केस, 354 का केस, 326 का केस, ये सब नंबर ऑफ केसेस इज पेंडिंग अगेंस्ट देम अब्दुल। और ये कौन से पुलिस स्टेशन से है सब? ये सब मलाड का ही है। टोटल वही पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन वही है सर। सब फिर भी उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है पुलिस स्टेशन से, पूरी क्लीन चिट दी जा रही है, उनका मोडस ऑपरेंडी सब सेम है, हमारे इतना कंप्लेंट करने के बाद NC करने के बाद कोई तड़ी पार का प्रोसीजर नहीं, कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। उन्हीं के साथ आए एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना था कि 15 दिन तक के उसने पुलिस वालों ने इनको डेली बुला के खाली बिठाया है, FIR नहीं लिया, बराबर है, और जो इनके साथ में जाता है उनके ऊपर FIR हो जाता है, 326 और अन्नभंग्रह लेडीज के ऊपर आंग डालने का केस, अब वो जो है इनके हस्बैंड वही मलाड पुलिस चौकी ने वो लड़के के ऊपर 3-3 FIR ले लिया, अन्नभंग्रह बोलो, 326 क्योंकि वो बोलने जाता है चौकी, और ये मेरे साथ भी, मेरे घर पे भी रात के 12 बजे तक वो लेडीज और ये लोग आ गए, तुम उन बीच में क्यों बोल रहे हो? पुलिस का पूरा समर्थन है उनको, जो कि हम उन्हें क्लियर बता रहे हैं कानून कायदे के हिसाब से सर 307 होता है, उनकी जान को खतरा है, और इन्होंने 30 तारीख को हुआ ना हादसा, इन्होंने 25 तारीख को ही लेटर दे दिया था, 17 तारीख को लेटर दिया था, 14 तारीख को लेटर दिया था, पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया वो चीज पे? नंबर ऑफ एलिगेशन है वो दबा दिया जाता है क्योंकि इनको लॉ नहीं मालूम है, एक एलिगेशन का आंसर देना चाहिए, आज उन्हें मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कल उन्होंने इतना चतुर दिमाग लगाया, उन्होंने एक नोटिस भेजा इनको, साइना जी को और सबनम को, फिरोज को, कि आप लोग चौकी आइए नहीं तो आपके ऊपर FIR ले लेंगे, आप वो इंसान को घर के अंदर क्यों नहीं ले रहे हो? और मुझे तो डायरेक्ट फोन पे बोला जाता है बहुत दिमाग लगा रहे हैं ना, दौड़ ले आना तो मलाड चौकी है। ये कौन कहता है आपसे? ये तो सुधीर चौहान आयोग, क्योंकि जब हमने उन्हें बताया चोरी हुई, सामान मिल रहा है सर, चलिए कांदीवली, टाइम नहीं था उनके पास, पुलिस की कमी है, ACP साहब का विजिट है, बहुत सारे बहाने हैं उनके पास, उन्हें लगता है लॉ एंड ऑर्डर खाली उनके धैर्य उनके दरवाजे तक ही है, कोई कोर्ट जा नहीं सकता क्योंकि कोर्ट पे पैर कोर्ट जाएंगे, टाइम कौन देगा इतना? आज हम एक महीने के बाद ये चाहे मुझे कहीं से इंसाफ क्यों नहीं मिले, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा ये चीज के लिए, आज क्या होगा और अन्याय होगा, ये सब आत्महत्या कर लेंगे, पुलिस चाहती क्या है, यही कर लेंगे ये,
जो बोलने जाता है वो लड़का बोलने गया तो उसके ऊपर 326 ले लिया गया। अन्ना भंगरा अपनी छोटी बहन का रेप केस डाल दिया गया उस पर, दूसरी माँ का जो एक्स वाइफ के, पुलिस ने तभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करके डायरेक्टली एफ आई आर ले लिया। आज मेरा खाली कहने का एक मतलब है, इतना दिन हो गया एक हवलदार पंचनामा करने नहीं आया और पुलिस को घर बैठे बैठे सब मालूम पड़ गया। आज 25 दिन होने आया, एक हवलदार, एक सीनियर, एक पीएसआई, वो स्पॉट पे नहीं आया कि गिरी कहां से, कैसे हुआ, कितने जोर से धक्का मारा, लोहे की सीढ़ी है, सब उन्हें अंतर्यामी है। मलाड पुलिस चौकी को अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ मालूम है क्योंकि वो लेडीज आती रहती है दिन भर, वो उसका घर है वो मलाड चौकी। कैमरामैन युवराज के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।